नमस्कार, मैं वैशाली, वैशाली के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फिटकरी के फायदे बताने वाली हूँ, वो भी दांतों के दर्द के लिए। दांतों के दर्द में फिटकरी बहुत ही फायदा करती है। और अक्सर जो होता है दांत का दर्द, रात में उठता है और हमें नींद नहीं आ पाती, इसके कारण सर दर्द होने लगता है और हम हॉस्पिटल नहीं जा पाते, तो हम सोचते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे ये दांतों का दर्द ठीक हो जाए। तो आज मैं आपको फिटकरी के कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप उपाय अजमाएंगे तो आपका दर्द जो है मिनटों में चला जाएगा। तो ये देखिए, फिटकरी से दांतों के दर्द को दूर करने का पहला उपाय, तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 चम्मच यहाँ पर सरसों का तेल लिया हुआ है और यहाँ फिटकरी ली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये आसानी से कद्दूकस हो जाता है, चाहे तो आप किसी से कूट के भी बना सकते हो। तो ये देखिए, फिटकरी का पाउडर मैंने बना लिया। आप देख सकते हो कितनी आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। और अब मैं ये पाउडर को, ये देखिए, सरसों को तेल में डालूंगी। तो लगभग 2 चुटकी ही लेना है, ज़्यादा ना लें। ये देखिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए फिटकरी और सरसों तेल को, ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हो बिल्कुल गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। तो ये देखिए, सरसों तेल और फिटकरी का ये पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। तो अब मैं इसको लगाने का तरीका बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने ये रुई ली हुई है और यहाँ पे टूथपिक ली हुई है। तो अब मैं इसे, ये देखिए, इसमें घुमा करके अच्छी तरह से रोल कर लेते हैं। ये देखिए, इसे लगाने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, तो अब हम इस तरह से लेंगे इसे पेस्ट को, और जो दांत में दर्द हो रहा है या दाढ़ में दर्द हो रहा है, आप उस जगह पे इसे बिल्कुल लगा दीजिए और वहीं पे कॉटन को रहने दीजिए। और ऊपर वाली जो, जैसे नीचे की तरफ दांत में हो रहा है जबड़े में हमको, तो दूसरे दांत की सहायता से उसे थोड़ा देर दबा के रखिए। और जब हम इसको लगा के रखते हैं तो क्या होता है कि मुंह में थूक आने लगता है, क्योंकि मैंने ये उपाय जो है खुद अजमाया हुआ है, क्योंकि मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था तो मैंने भी ये किया। तो आपको थूक आने लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम सरसों तेल और फिटकरी लगा रहे हैं। पहले तो यह होता है कि हम लगा रहे हैं कैसा लगेगा, तो जब थूक आने लगे तो आप इसे निगले ना, बाहर थूकते रहे जब तक आते रहे। और लगभग 5 मिनट आप ये रुई को दबा करके रखें, उसके बाद आप निकाल के रख दें, तो आपको लगेगा 5 मिनट में ही कि आपका जो दांतों का दर्द है बिल्कुल ही गायब हो चुका है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये उपाय पसंद आया होगा फिटकरी का। तो देखते हैं दूसरा उपाय। तो अब मैं आपको बताती हूँ दांतों के दर्द के लिए फिटकरी का दूसरा उपाय। तो यहाँ पर मैंने लिया लगभग 1/4 चम्मच या 2 चुटकी सेंधा नमक लिया हुआ है मैंने, और यहाँ 2 चुटकी ही मैंने फिटकरी का पाउडर बना लिया। ठीक वैसे ही कद्दूकस करके मैंने बना लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक ग्लास लूँगी और मैंने गुनगुना पानी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं नमक और फिटकरी दोनों को डाल दूँगी, और इतना पानी गर्म करना है, गुनगुना सा, जितना आप सह सके। नॉर्मली हम जैसे गरारे करते हैं उस तरह से रखना है। तो ये देखिए, नमक और फिटकरी को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हम नॉर्मली गरारे करते हैं वैसे नहीं करना है। तो हमें अच्छे से एक मुंह भर करके, मतलब एक सिप आप पानी ले लीजिए और उस एरिया में ले जाइए जिस तरफ में दांतों में दर्द है, और लगभग 3 से 4 मिनट तक रखिए। जितनी देर आप रख सकते हो मुंह बंद करके, पानी उस एरिया में रखिए और बढ़िया से सिकाई होने दीजिए, और उसके बाद में वो पानी फेंक दीजिए। और आप देखोगे कि जब तक हमारे ग्लास खत्म होता है और मिनटों में आपका ये दर्द चला गया है। आप इसे दिन में 2 से 3 बार करें, और रात को सोने से पहले तो जरूर करें। मुंह अच्छी तरह से पहले साफ कर लीजिए और सोने से पहले जरूर करिए, क्योंकि रात में अक्सर जो दर्द होता है दांतों का, वो बहुत उठता है और बहुत तकलीफ देता है। तो ये हुए फिटकरी के 2 उपाय दांतों के दर्द को दूर करने के लिए। और ये भी है, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक प्राथमिक उपचार है। अगर आप ये कर रहे हो 2 दिन तक, उसके बाद भी आपका दर्द नहीं जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि जो दांतों का इन्फेक्शन होता है बहुत बुरा होता है और ये फैलता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको पहले ही उपाय कर लेना है जब आपको दर्द उठे, और उसके बाद आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये सिर्फ घरेलू उपाय है और एक प्राथमिक उपचार है। तो आशा करती हूँ कि आपको फिटकरी से दांतों के दर्द को दूर करने के ये उपाय पसंद आए होंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।